हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड भाई, OB36 के फाइल में आप लोग को एक लेजर वाला गन देखने को मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप अपने टीममेट को हील कर सकते हैं, चाहे वो भाई ग्लोअल के कवर में हो या भाई कोई बैरियर के कवर में हो। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वो वाला गन स्किन को लेके भाई दबा के रखना होगा, होल्ड करके रखना होगा, एक लेजर जैसी लाइट जाएगा एंड अपना टीममेट का भाई हिलअप हो जाएगा। इसके द्वारा आप लोग भाई दो टीममेट को हिलअप कर सकते हो, जिसका कूल डाउन टाइम भी भाई बहुत ही कम है, बहुत ही जल्दी भाई ठंडा हो जाता है गन स्किन, जो मुझे सबसे बेस्ट हीलिंग गन स्किन लगा है। जहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट पिस्तौल देखने को मिलता है, ट्रीटमेंट स्नाइपर गन देखने को मिलता है, उसके बाद हम लोग को लेजर ट्रीटमेंट गन भी देखने को मिल रहा है। ट्रीटमेंट स्नाइपर भाई बहुत ही बेकार फालतू है, गैना क्यों इसको नहीं रिमूव कर रहा है मुझे पता नहीं है। तो चलेगा इस देखते हैं गेम आने के बाद भाई ये वाला गन स्किन कितना तहलका मचाते हैं। सो गाइस, वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना है। जैसे कि भाई इस बार दिवाली इवेंट क्या सचमुच इंडिया सर्वर में आने वाला है या भाई हेलोवीन इवेंट आने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फीफा मैक्स भाई इंडिया सर्वर में बैन है, जिस वजह से हम लोगों को भाई इंडिपेंडेंस डे इवेंट भी देखने को नहीं मिला। तो हम लोगों को लग रहा है शायद से भाई दिवाली इवेंट भी ना देखने को मिलेगा। तो क्या ये सच है या भाई झूठ है, इसके जानने के लिए भाई आप लोगों को वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना होगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड भाई वीडियो में एक लाइक ठोक देना। तो भाई हम लोग देख लेते भाई आने वाला कुछ दिनों के अंदर इंडियन बांग्लादेश सर्वर में कौन कौन से इवेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि ऑफिशियल पोस्टर के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप लोगों को शैडोथ्रोन हिटमैन का ये वाला जो बंडल है, बहुत दिन पहले सबसे पहले दिखा था कि इंडियन बांग्लादेश सर्वर में आने वाला है, तो इंडिया सर्वर के लिए कंफर्म हो चुका है। रिलो टारगेट डाउन इवेंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर से आप लोग डबल रेट ऑफ फायर, एक रिलोड स्पीड वाला M1014 का भी स्किन देखने को मिल जाएगा, एक लेजेंडरी लूट बॉक्स एंड एक फाड़ा का स्किन जो ऑलरेडी इंडिया सर्वर टॉप में आ चुका है, तो फाड़ा का स्किन की जगह आप लोग को कुछ और भी देखने को मिल जाएगा। परंतु ये वाला चीज आप लोग रिलोड टारगेट डाउन इवेंट में बहुत ही जल्दी इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद आप लोग ईवो M10 भी इंडिया सर्वर में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, जितना दूर भाई लीक्स हम लोग को मिल रहा है। तो आप लोग बोलेंगे कि कोबरा MP14 कहाँ गया, आप लोग तो बोले थे कोबरा MP14 रिटर्न आने वाला, परंतु कोबरा MP14 ना आके बुआ हम लोग EMP देखने को मिल रहा है। इसके बाद भाई ईवो M10 का भी रिटर्न हम लोगों को लीक्स मिल रहा है, तो कोबरा MP14 का क्या सीन है? तो देखिए भाई, गैराना फीफायर का जो सीन चल रहा है वो कभी भी कुछ भी दे सकता है, परंतु जितना दूर हमको लीक्स मिल रहा है आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट नहीं, यानी कि OB36 अपडेट के बाद ही भाई कोबरा MP14 देखने को मिल जाएगा गेम के अंदर। अभी ट्यून्डोस MP14 दिया गया, तो उसको मार्केट को करके रखने के लिए ऐसा सीन कर रहा है गैराना कोबरा MP14 को ना देखे, मतलब हम लोगों का जो सोच को भाई गैराना डाइवर्ट करके भाई ट्यून्डोस MP14 को ज्यादा सेल करना चाहती है। तो ज्यादा टेंशन करने वाली कोई बात नहीं, अगर कोई ऑफिशियल लीक्स मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर से करना चाहूंगा। एंड जितने भी भाई डायमंड है किसी इवेंट में भाई वेस्ट मत करना, कोबरा MP14 के लिए भाई बच कराना, कोबरा MP14 जरूर से भाई 100% रिटर्न आने वाला है। एंड जैसे कि वीडियो पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, जोकर इनक्यूबेटर भाई बांग्लादेश सर्वर में रिटर्न आने का एक कंफर्मेशन हम लोग को मिल रहा है, जिसका प्री एक्सेस भी आप लोग देख पा रहे हैं। इंडिया सर्वर में एक भाई इनक्यूबेटर रिटर्न आ चुका है, बानी इनक्यूबेटर रिटर्न आ चुका है। इसके बाद भाई मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा टाइम लगेगा इंडिया सर्वर में दूसरा किसी इनक्यूबेटर रिटर्न आने में। तो भाई बांग्लादेश सर्वर के लिए जोकर इनक्यूबेटर का प्री एक्सेस आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों को कैसा लगा जरूर हम लोगों को कमेंट करके बता देना। एंड गाइस भाई, इंडिया सर्वर में आज सुबह एक भाई टॉप अप आया है, जिस टॉप अप के अंदर आप लोगों को एक स्कार्फ का किंग देखने को मिला है, ट्राइब्यूनल स्कार्फ, जो भाई 2 साल पहले हम लोगों को भाई बंकर ग्लोबल के साथ टॉप में दिया गया था, 500 डायमंड टॉप में दिया गया था। एंड 2 साल बाद भाई आप लोगों को फिर से ट्राइबल स्कार्फ का स्किन फिर से देखने को मिल रहा है यहाँ पे 500 डायमंड टॉप के अंदर। तो मुझे ये सब चीज रिटर्न देके उतना दुख भी नहीं होता है, उतना भाई कोई एक्सपीरियंस या फीलिंग्स भी नहीं आता है, क्योंकि मैं भाई कपड़े या बंडल के ऊपर पैसा बिल्कुल ही इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये सब बंडल रिटर्न आने के बाद जब मैं देखता हूँ तो मुझे उतना भी दुख नहीं लगता है, क्योंकि देखिए मैं कैरेक्टर कलेक्शन करना पसंद करता हूँ, मुझे फ्री में कैरेक्टर मिल रहा है, मैं इसी से खुश हूँ। फीफायर का कंपनी है, फीफायर का बंडल से उन लोगों का भाई डिजाइन है, वो लोग भाई फिर से सेल कर सकते हैं, दोबारा रिटर्न ला सकते हैं, उन लोगों का डिसीजन है। तो इसी वजह से फीफायर जो काम कर रहा है मुझे उससे कोई भी भाई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने गेम के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, ऐसी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जो भाई रिटर्न आया है। मैं जिन चीजों का शौक रखता हूँ वो सभी इन फ्यूचर में रिटर्न आ सकता है, मुझे ये सभी पता है। तो इसी वजह से मुझे भाई उतना भी प्रॉब्लम नहीं है फीफायर जो भी काम कर रहा है। तो चलिए भाई, बहुत ही बकबक हो गया है, अभी बढ़ते हैं हमारा वीडियो का मेन टॉपिक। दिवाली इवेंट इंडिया सर्वर में आने का चांस है। मैं बहुत दिन पहले कहा था कि जब हम लोग को OB36 का फाइल मिलेगा, उस फाइल के अंदर भाई अगर दिवाली इवेंट का आइटम्स का कोई डाटा मिलता है तभी हम लोग कंफर्म करके बोल सकते हैं कि भाई दिवाली इवेंट हम लोग को जरूर से देखने को मिल जाएगा। एंड भाई एक PDF फाइल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जो भाई पार्टनर प्रोग्राम को दिया जाता है। नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट फेस्ट 2020 थीम ऑफ दिवाली इवेंट मीन्स दिवाली इवेंट कन्फर्म फॉर इंडिया, फेस स्किन, बैकपैक, कार, बंडल, ग्लोअल एंड मेनी मोर आइटम्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिवाली इवेंट एकदम 100% कन्फर्म हो चुका है इंडिया सर्वर के लिए। एंड उसके साथ साथ एडवांस सर्वर की गेम फाइल के अंदर से हम लोग को रंगोली थीम बेस्ड कुछ आइटम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप लोगों को पता है कि रंगोली थीम हमारा दिवाली इवेंट का सिग्नेचर स्टाइल है, जिसमें आप लोगों को सर्फबोर्ड का स्किन, ग्रेनेड का स्किन, एक बैकपैक का स्किन एंड एक पैराशूट का भी स्किन देखने को मिल रहा है। अभी ओरिजिनल जब अपडेट आ जाएगा उस फाइल के अंदर से हम लोग को और भी भाई दिवाली आइटम्स का रिव्यू देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पे भाई बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी ये सभी दिवाली आइटम का वीडियो रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ भाई बांग्लादेश सर्वर में भी
हेलोवीन इवेंट आने वाला है, क्योंकि देखिए हेलोवीन इवेंट का यहाँ पे आप लोगों को टोकन देखने को मिला है, जो सभी टोकन का इस्तेमाल करके आप लोगों को फ्री में बंडल, गन का स्किन, पेट का स्किन, गाड़ी का स्किन, ये सभी चीजें देखने को मिल जाएगा। जिसका कंफर्म डेट निकल कर रहा है अक्टूबर मंथ में, हो सकता है अभी डेट आगे पीछे हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, परंतु आप लोगों को अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगा। एंड भाई इंडिया सर्वर के लिए भाई दिवाली विश इवेंट का यहाँ पे प्री एक्सेस देख पा रहे, जो आप लोग भाई अक्टूबर मंथ ही देखने को मिल जाएगा। तो भाई हम लोगों को कंफर्म हो चुका है कि इंडिया सर्वर में दिवाली इवेंट देखने को मिल जाएगा, जो इंडिया सर्वर के लोगों के लिए बहुत ही कमाल का बात होने वाला है, क्योंकि दिवाली इवेंट में बहुत सारा मैजिक क्यू देखने को मिलता है, बहुत सारा लेजेंडरी बंडल रिटर्न में दिया जाता है, बहुत ही अच्छा इवेंट होता है इंडिया सर्वर के लिए। एंड भाई बांग्लादेश सर्वर में आप लोगों को दिवाली इवेंट का यहाँ पे आइटम्स देखने को मिल रहा है, ये सभी आइटम का रिव्यू मैं हर एक वीडियो में कर रहा हूँ, परंतु ये वीडियो में व्यूज कम आ रहा है, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ये सभी आइटम का रिव्यू, हेलोवीन थीम बेस्ड रिव्यू, जो लोग मेरा पुराना वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तो हम लोग यहीं पर वीडियो को खत्म करना चाहेंगे, जितने भी लेटेस्ट अपडेट थे आप लोग के साथ शेयर करूँ, बहुत ही अच्छा अच्छा अपडेट शेयर करूँ तो आप लोग का अच्छा लगना ही है। एंड भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगता है तो, एंड वीडियो छोड़ के जाने से पहले एक भाई प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।